सो आई इनकम एपिसोड विथ मी आर श्योर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वाई एम बी ए राइट एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया लाइफ में कुछ भी चीज करो दिस वाई इज समथिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यू टू आस्क योअर सेल्फ और बहुत अच्छी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो लेट्स किट स्टार्ट I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. I've read a book and uh, you know that book stated that start with why. The reason why is important is ki ye decide karta hai ki aap jo bhi kar rahe ho aap usse kitna output nikal paoge. जब आपका why बहुत strong नहीं होता है तो उस case में क्या होता है कि I mean you find this a lot of people जो रिग्रेट करते हैं कि आप किन दिस एज अ रॉन्ग स्टेप और दिस वॉज नॉट वर्थ इट और जब आपका वो वाई बहुत स्ट्रांग होता है तो आप उस पर लगे रहते हो बिकॉज आपको पता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया है तो पहली चीज स्टार्ट विद वाई एंड नाउ टॉकिंग अबाउट वाई एमबीए बी ए तो सबसे पहले यहां पे सिक्स रीजन यू शुड

दी डोमेन सो दैट यू नो मेरे पास ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो प्रोफाइल वाइज भी और पैकेज वाइज भी तो आपके करियर को नॉट ओनली वर्किंग प्रोफेशन इवन फ्रेशर्स राइट तो आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलता है ओवरऑल डेवलपमेंट हो मिलता है क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ जितने कोर्सेज मैंने इंडिया में देखे हैं ज़्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं अगर आप मैं आप मुझसे पूछोगे ग्रेजुएशन में मैंने क्या सीखा आप अपने आप से पूछोगे यू से दैट यू नो मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिकल नहीं सीखा बट पी जी डी एम एंड एम बी ए मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में एक ऐसा कोर्स है वेर दे काइंड ऑफ़ इन्हांस योर पर्सनलिटी योर दे ग्रूम यू दे इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स की स्टडीज तो यहाँ पर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है करियर के साथ साथ जहाँ आपका पैकेज आपके पास नए मार्केट्स के ऑप्शन जॉब्स के टर्म में मिलते हैं और उसके साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें यू वांट टू टीम लीड बी एन इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजी फॉर्मूलेशन, फॉम रोबस्ट बिजनेस केसेस, बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एंड यू नो पेनिट्रेट न्यू मार्केट्स टू नेम अ फ्यू देन मेक अ करियर चेंज लग्च आप एक एक्स इंडस्ट्री में काम कर रहे थे यू डोंट यू नॉट गेटिंग दट वाइ एंड यू वॉन्ट टू स्विच यूर इंडस्ट्री एम बी ए कैन बी अफेक्ट थिंग इसका एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग करने के बाद लॉड ऑफ डेवलपर्स गो फॉर दिस एम बी ए बिकॉज दे वॉन्ट टू फील वर्क इन द फील्ड ऑफ यू नो मैनेजमेंट राइट तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं हर साल एम बी ए करते हैं पी जी डी एम करते हैं सो द सेकेंड रीजन इज मेक अ करियर चेंज नाउ थर्ड Widen the scope of your business. सम ऑफ आर एम बी ए स्टूडेंट्स हैव बिल्ड एयर ओन बिजनेस स्मॉल बिजनेस सम ऑफ आर ने सम ऑफ लाइक दिस इज इन जनरल टर्म मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है एम बी ए करने के बाद दे स्टार्ट एयर ओन बिजनेस एंड आजकल यू नो वी हैव दिस एम बन पी जी डी एम एंड फैमिली बिजनेस इज ऑल्सो की जहाँ पे आपकी फैमिली का बिजनेस है आप एम बी ए करके आके उसे और ग्रो करना चाहते हो तो आपका बिजनेस करने का स्कोप भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो जो कि आपको हेल्प करेगी ड्यूरिंग योर बिजनेस सो दट इज समथिंग वट यू कैन डू एंड यू कैन बिकम एन ऑन्थ्रपिनोर डेवलप

तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाती है तो आप एक लाइफ लॉन्ग लीडरशिप स्किल सीखते हो राइट right? अगर आप जाते हो करने के लिए एंड ये मेजॉरिटी ऑफ़ बी स्कूल में इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ टीयर वन कॉलेज से सीखोगे इफ़ यू इवन सीन विद स्टूडेंट जो टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज से हैं उनके अंदर वो लीडरशिप्स एंड दैट यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स वो इन्फ्लुन्शल स्किल्स काफ़ी बढ़ जाती हैं एंड फिफ्थ एंड सिक्स लर्न फ्रॉम मल्टीपल डाइवर्स प्रस्पेक्टिव राइट आप uh, कई सारे प्रोग्राम्स हैं विच इज़ लाइक जिनका आप इनटेक कम है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं लास्ट वन नॉट दीज यूज एक्सपेंशन लर्निंग टू फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशंस टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो भाई ये सारी चीज़ें हैं आपका सैलरी हाइक होता है आपके पास ऑपर्चुनिटीज़ होते हैं अब ये सारा कंटेंट खत्म हो गया है पर मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि एम बी ए इज़ समथिंग जो आपके सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट नहीं क्योंकि पहला जो रीज़न स्टूडेंट्स का होता है दैट इज कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी पर अच्छी जॉब इज नॉट द रीजन इट्स लाइक अच्छी जॉब के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी आपके पास इंडस्ट्री के ऑप्शन यू नो बढ़ जाएंगे आप इंडस्ट्री स्विच कर सकते हो से आपने ग्रेजुएशन किसी में किया है एंड यू नॉट गेटिंग दिस वाई जैसे आपने एग्रीकल्चर में किया आपको नहीं जाना है वहां पर तो आप मैनेजमेंट करके उस डोमेन से रिलेटेड चीजों में काम कर सकते हो तो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पर क्यों करना है ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा दैट वाई एन एम बी ए or why mba right is important for you so that's all about this episode do not forget to like share and subscribe i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe